हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूआर पे का कार्ड को क्लोज करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं कार्ड, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप अपना कार्ड को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पुराना कार्ड क्लोज कर सकते हैं, नया कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चले पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आपको अपने यूआर पे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका कार्ड शो हो रहा है, तो इसको कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आप अपना ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ करना चाहते हैं तो ये वाला आइकन पे क्लिक करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मेरे को एक कार्ड को क्लोज करना है। अगर आप पिन भी चेंज करना चाहते हैं तो पिन भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज पिन पे क्लिक करें, उसके बाद अपना नया पिन कोड डालें। पिन कोड नया डालने के बाद आपको 2 टाइम डालना है। 2 टाइम डालने के बाद भी अगर आपका फ्रॉड ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप अपना कार्ड को चेंज कर सकते हैं। चले मैं आपके सामने दिखाता हूं कि पिन कोड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पिन कोड डालने के बाद आपके नंबर पे ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड आने के बाद सक्सेसफुली आपका पिन कोड चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया। लेकिन मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने कार्ड को क्लोज कैसे कर सकते हैं, बंद कैसे कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपना कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, कैंसिल कार्ड पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है, क्या किस रीजन से कार्ड को आप बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ से कोई रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा कार्ड गुम हो गया, चाहे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, या मेरे साथ कुछ भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्रॉड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए फ्रॉड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेड कलर का आपके सामने आइकन दिखेगा, देख सकते हैं कैंसिल कार्ड। तो कैंसिल कार्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखें यहाँ पे। और उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालें, जो लॉगिंग पासवर्ड है वो लॉगिंग पासवर्ड आप इसमें फिलअप करें। फिलअप करने के बाद आप कन्फर्म करें, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कन्फर्म कर देंगे तो आपका कार्ड यहाँ पूछ रहा है श्योर आप कार्ड को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप बोले यस श्योर। देखें यहाँ से कार्ड आपका कैंसिल हो गया, कार्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको नया कार्ड अप्लाई कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस है। तो आपको अपने आइकन पे क्लिक करना है, अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ कि कार्ड यहाँ से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। अभी यहाँ पे कार्ड आपको शो कर रहा है, लेकिन मैं दिखाने वाला हूँ कि कार्ड यहाँ से रिमूव हो गया कि नहीं हुआ। तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से तो नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से सीधा बैग जाना है। बैग जाने के बाद वापस आपको आना है, देख सकते हैं यहाँ पूरा कार्ड का मेरा डिटेल शो हो रहा है। तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएं, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद वापस आप अपने कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ कार्ड शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बाहर हो जाएं। बाहर होने के बाद दोबारा से आप लॉगिंग करें। दोबारा से लॉगिंग करेंगे, लॉगिंग करने के बाद अपना कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। नीचे देख सकते हैं, नीचे जो ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करके आप पहले लॉगिंग कर सकते हैं। लॉगिंग करें, लॉगिंग करने के बाद यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखें यहाँ से कार्ड मेरा रिमूव हो गया, कोई डिटेल नहीं है कार्ड का, देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है, कोई डिटेल नहीं है। लेकिन अप्लाई अगर करना है तो आप अपने नाम वाला आइकन का सामने देखें, प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप नया कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई किया जाता है इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, आप जाके वहाँ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि भी कैसे अप्लाई करते हैं, दो कार्ड एक साथ अप्लाई कैसे करें। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप एक बार विजिट करें मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके देखें कि कार्ड अप्लाई किस तरह करते हैं। खैर मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल बता देता हूँ। इस पर जब प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा, कार्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको कौन सा कार्ड चाहिए, किस तरह चाहिए। दो कार्ड यहाँ शो होगा, दोनों कार्ड में से कोई कार्ड एक ले सकते हैं, या अदरवाइज दोनों कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल भी फिजिकल भी दोनों कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिजिटल कार्ड का आप थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कार्ड वाला डिजिटल कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर
सेलेक्ट योर कार्ड, देख सकते हैं दो कार्ड आपको दिखा रहा है, न्यू न्यू डिजिटल कार्ड, पुराना वाला भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। तो आप इसमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सेट, यहाँ सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपका कार्ड सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको 0% फीस है, आप कन्फर्म करें, अपना पिन कोड डालें, पिन कोड डालने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।